हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हमारा 8वीं कक्षा हिंदी का 3rd चैप्टर हम क्या क्या जानते हैं का अभ्यास कार्य डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। प्रश्न एक, हम बिंदी यानी अनुस्पार और चंद्रबिंदु, ये चंद्रबिंदु है, लगाना जानते हैं। नीचे लिखे शब्दों में यथास्थान अनुस्पार या चंद्रबिंदु लगाइए। जैसे कौत का कंध होगा हंस हंस, वैसे ही बत का क्या होगा बंध, अत अंत हंस हंस, घटा घंटा, पथ का होगा पंथ, शशाक शशांक, पक पंक, बदर का होगा बंदर, व्यजन व्यंजन, चिड़िया चिड़िया, रक का होगा रंग, चत चंत, पक पंक, बूत का होगा बूंद, अंधेरा का होगा अंधेरा, हंसना हंसना, अंगूर का होगा अंगूर, कंगन का होगा कंगन, मांक का होगा मांक, गेंद का होगा गेंद, गदा का होगा गंदा, चंचल का होगा चंचल, कक्कड़ का होगा कंकड़, रंगना का होगा रंगना, चांद का होगा चांद, पाक का होगा पंख, प्रशंसा का होगा प्रशंसा, आरंभ का होगा आरंभ, संतरा का होगा संतरा, बैंगन का होगा बैंगन, संकेत का होगा संकेत, निमंत्रण का होगा निमंत्रण, लिखे का होगा लिखें, लंबा का होगा लंबा, पंक्ति का होगा पंक्ति, डक का डंक, हु का होगा हु, संयुक्त का होगा संयुक्त, गाप का होगा गाप, चिपकाए का होगा चिपकाए, दांत का होगा दांत, सुंदर का होगा सुंदर, माँ का होगा माँ, यहाँ पर चंद्रबिंदु लगेगा, शक का होगा शंख, यहाँ पर तालव्य स पर अनुस्पार होगा, बहा का होगा बहा वहाँ, पाँच पाँच, बनाए का होगा बनाए, ढूंढना का होगा ढूंढना, नंदिनी का होगा नंदिनी, आँख का होगा आँख, मैं का होगा मैं, यहाँ पर अनुस्पार लगेगा, मूंगफली का होगा मूंगफली, सब्जिया का होगा सब्जियाँ, जहाँ का जहाँ, ऋतुए का होगा ऋतुएँ, पाऊ का होगा पाऊ, पढ़े पढ़ें, उमक का होगा उमंग, बात का होगा बांध, काप काप का होगा काँप काँप, आँच का होगा आँच, मांस का होगा मांस, हा का होगा हाँ, पाप का होगा पाँव। प्रश्न दो, हम ऐसे संयुक्त वर्ण जानते हैं, दिए गए शब्दों के आधार पर शब्द लिखिए। पक्का धक्का, बच्चा कच्चा, सत्य नृत्य, क्यारी न्यारी, रक्त सख्त, उत्कल तत्काल, पट्टू कत्तार, पत्ता सत्ता, पत्रा सन्नाटा, रत जीत, गर्म शर्म, नक्र चक्र, कर्म मर्म, ड्रामा कामा, धर्म मर्म, पप्पू चप्पल, वस्त्र शास्त्र, पुष्ट कष्ट, कनिष्क पुष्कर, अवश्य श्याम, ज्ञान विज्ञान, अस्पताल स्पर्श, कुल्ला मुहल्ला, सस्ता बस्ता, त्राण त्राही, सज्जा धज्जा, पब्ज सब्जी, धन्य अन्य, चित्र मित्र, अल्प शिल्प, रायस्व सर्वस्व।
जन तन्मय, चप्पल कांचन, जंजाल अंजील, छुट्टी पट्टी, मर्थ सर्दी या सर्थ, दंत संत, अंदर बंदर, पत्र पत्र चित्र, अच्छा इच्छा, बुद्धि शुद्धि, संबल संबल, किस्सा रस्सी, सम्मान अम्मा, प्यार प्यास, बट्टा सट्टा, सख्त तख्त, पास पुष्प। प्रश्न 3, आप ऐसी शब्द सूची बताइए जिसमें संयुक्त व्यंजन हो, क्या क्या होगा देखेंगे। मुख्य, स्वास्थ्य, लक्ष्य, कच्चा, ज्योति, रुग्ण, ध्यान, सभ्य, राज्य, सुस्त, कंठस्थ, लज्जा, संख्या, मिथ्या, यही सब संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को निवेदन है कि इस कार्य में विद्यार्थियों की सहायता करें, तो ये तुम्हारा टीचर लोग तुम्हें यहाँ हेल्प करेंगे। हम ऐसे ऐसे लिखना जानते हैं। प्रश्न 1, कंगन कंगन, शंख शंख, गंगा गंगा, 2 नंबर, चंचल चंचल, मंजुल मंजुल, झंझा झंझा। प्रश्न 3, टंडन टंडन, ये ऐसे भी टंडन होगा ऐसे भी होगा, घंटा घंटा, ठंडा ठंडा, 4, संत संत, दंत दंत, तंतु तंतु, 5, चंपा, ऐसे भी होगा यहाँ पर च पे अनुस्वार होके भी होगा चंपा, बिंप बिंप, संभव संभव। प्रश्न 6, ऊपर दिए गए उदाहरणों के अनुसार शब्दों को पुनः लिखिए, जैसे मंडन ऐसे होगा यहाँ पर मंडन, म पे अनुस्वार होगा, कु पे अनुस्वार होगा, कंबल का ये कंबल होगा, क पे अनुस्वार होगा, संकेत का यहाँ स पे अनुस्वार होगा, संतान का होगा वे संतान, आरंभ आरंभ, पांचाल पांचाल, चंदन का होगा चंदन, मंचन का होगा मंचन, तंदूर तंदूर, संपन्न संपन्न, डंडा डंडा, आनंद आनंद, झंझा झंझा, सुंदर सुंदर, संभाल संभाल, यहाँ पर स पे अनुस्वार होगा, मंदिर मंदिर, कंपन कंपन, डंठल डंठल, शांति शांति, कुंत कुंत। प्रश्न 7, देखिए निम्नलिखित शब्दों में सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होता है, संयम संशय संगलाप संघार।